अरे एक मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ही तो जाइएगा, भले हाल खाली हो जाएगा, किनारे अपना आराम से बैठिए। यही बैठने का लिए है। आज दिशा मीटिंग थी, समीक्षा बैठक, उसके अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर समीक्षा की गई जो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी कि उन बिंदुओं के ऊपर कितना प्रोग्रेस हुआ है, और जो दिशा के अंतर्गत अब तक जो मुद्दे चले आ रहे हैं अलग अलग विभागों के, उनके ऊपर क्या क्या हुआ, जिनको उन मुद्दों को सुनकर जिनको जो निर्देश देने थे वो दे दिए गए, और हमें आशा है कि जिस तरीके से हम गाजियाबाद की उन्नति को देख रहे हैं वो जरूर। सर अभी इन्वेस्टर मीट लखनऊ के अंदर हुई थी, इन्वेस्टर मीट में सर क्या गाजियाबाद के लिए कुछ स्पेशल कुछ रखा गया हो? इन्वेस्टर मीट जो लखनऊ के अंदर सर रखी गई थी, इन्वेस्टर मीट पूरे उत्तर प्रदेश के जी, हमने वहाँ पर लोगों को सजेस्ट किया है और मुख्यमंत्री जी को भी सजेस्ट किया है कि गाजियाबाद जिस तरीके से इसकी भौगोलिक स्थिति है, ये फार्मा हब बनने के लिए बहुत उपयुक्त जगह जी, तो इसके ऊपर लोग बाग विचार करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एयरपोर्ट होगा, जेवर में एयरपोर्ट होगा, तो यहाँ पर अगर फार्मा हब आता है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, और नोएडा जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हब बन गया है, तो गाजियाबाद अपने आप के अंदर एक फार्मा हब बन सकता है जी। अब इसके ऊपर बाकायदा काम, आप लोगों के पास कई बार खबर गलत होती है, हर चीज के लिए बहुत सी कार्रवाइयां करनी पड़ती है, उसके ऊपर एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस अभी तक हमको नहीं मिली है, वो जैसे मिल जाएगी मुख्यमंत्री जी आएंगे उसका उद्घाटन। इसके लिए हब था बिल्डर्स के लिए, हब बिल्डर्स तो सब शहर हब है।